हेलो, आज की क्लास केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। मेनली तो टेंथ क्लास के लिए बेसिक्स क्लास है कि हम कैसे केमिकल फॉर्मूले ड्राइव करते हैं, कैसे केमिकल फॉर्मूले बनाते हैं, जो आपको हमेशा के लिए याद रखने होंगे, क्योंकि किसी भी लेवल पे आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये फॉर्मूले काम आएंगे इक्वेशंस बनाने के में, इस समय। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ वैलेंसीज वगैरह लिखाऊंगा जो आपको लर्न करनी है। कैटायन और एनायन, कैटायन कौन से सब्सटेंस होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एनायन नेगेटिवली चार्ज। दो तरह के होते हैं आयन्स, एक सिंपल और एक कंपाउंड। जो आयन सिंगल एटम से बने होते हैं, जैसे सिंगल एटम, वो सिंपल, और जो कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं, जैसे इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है, ये कंपाउंड। ठीक है, कैटायन और एनायन पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, नेगेटिवली चार्ज एनायन, और ये जो आयन है इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। जैसे पॉजिटिव आयन है तो इसकी वैलेंसी 1 है, नेगेटिव है तो इसकी वैलेंसी 1 है। मोनोवैलेंट, जिन आयन पे 1 चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज होता है उनको बोलते हैं मोनोवैलेंट। तो आपको ये टेबल याद करनी है। इस क्लास में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि ये चार्ज वगैरह कैसे आए या कैसे फॉर्मेशन हुए, बस आपको ये लर्न करने हैं, क्योंकि मैं आपको बस फॉर्मूले ड्राइव करना बताऊंगा और कैसे याद करने हैं फॉर्मूले, वो सब बता जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का सिंबल सबको पता ही है, और पॉजिटिव 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, अमोनियम NH4, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना हुआ एक कंपाउंड आयन है। सिल्वर, कॉपर, क्यूप्रस या कॉपर कुछ भी कह सकते हैं। कॉपर के दो होते हैं लेकिन मैंने अभी आपको एक ही लिखवाया। फ्लोराइड, एनायन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, ध्यान रखना होगा, जब NO2 होगा तो नाइट्राइड, जब NO3 होगा तो नाइट्रेट। हाइड्रोक्साइड, OH, बाइकार्बोनेट, HCO3। तो ये सारे जो है मोनोवेलेंट आयन है, कैटायन और एनायन, ये नोट कीजिए। इसके बाद हम मैं आपको लिखाऊंगा डायवेलेंट। तो ये सारे आपको लिखने होंगे, उसके बाद लर्न करने हैं, फिर फॉर्मूले बनाएंगे। ये डायवेलेंट, डायवेलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 2। तो डायवेलेंट कैटायन और डायवेलेंट एनायन। मैग्नीशियम, वैसे आपको जिनकी वैलेंसी याद है उनसे भी याद रख सकते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 282, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप पढ़ चुके होंगे, तो वैलेंसी 2 हो गई। कैल्शियम की 2, जिंक 2, बेरियम। आयरन, आयरन 2 और आयरन 3, ये आयरन 2 है, थर्ड उसमें लिखेंगे। क्यूप्रिक, जैसे पीछे आपको बताया था क्यूप्रस, क्यूप्रस जिसमें 1 वैलेंसी थी, इसमें 2 है, इनकी 2 होती है, हायर क्लासेज में आप पढ़ोगे। मरकरी, एनायन में ऑक्साइड, सल्फाइड, अब देखिए सल्फाइड जब होगा तो एस होगा, सल्फाइड में SO3, सल्फेट में SO4 और कार्बोनेट CO3। तो ये डाइवेलेंट हो गए, फिर ट्राइवेलेंट और फिर फॉर्मूले बनाते हैं। ये ट्राइवेलेंट, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, फेरिक, सिंबल सबको याद होंगे, क्रोमियम वगैरह इतना आपने पढ़े नहीं है लेकिन आपको ये याद करना है। नाइट्राइड, फोस्फाइड, फोस्फेट, बोरेट। तो मैंने आपको सारे आयन्स के बारे में बता दिया है, उनके नेम और सिंबल, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, जिनकी वैलेंसी 1 है, जिनकी वैलेंसी 2 है और जिनकी वैलेंसी 3 है। अब इनको यूज करके हम कैसे आयनिक कंपाउंड, कंपाउंड दो तरह के होते हैं, आयनिक और कोवेलेंट। कोवेलेंट आप कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे, अभी हम आपको आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताते हैं, मेनली उनके फॉर्मूले कैसे बनाते हैं और उनको कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए, अगर ये अच्छे से याद होंगे तो आपको कोई भी फॉर्मूला बनाना आ जाएगा, फिर आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, आगे केमिकल इक्वेशंस में उनकी बहुत जरूरत पड़ती है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का सिंबल आपको बताइए और कार्बोनेट, सबसे पहले आपके माइंड में वैलेंसी आनी चाहिए। सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और कार्बोनेट की होती है 2 -1। तो आपको बस इतना करना होगा, इस वाले की वैलेंसी को आपको इधर लिखना होगा और इस वाले की वैलेंसी को इधर, तो इसकी वैलेंसी 2 है तो यहां पे लिख देते हैं 2, और
2 को इधर लिखना है और 1 को इधर लिखना है। ये 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये फॉर्मूला हो गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट एल्यूमिनियम सल्फेट। मान लिया मेरे को ये वाला उसका फॉर्मूला लिखना है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, सल्फेट -2, तो +3 -2, तो क्या बताया था, इसको इधर लिखना है और इसको इधर लिखना है, तो Al2SO4 का थ्राइस। तो ये फॉर्मूला हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं कुछ मेन मेन आपको बता रहा हूं एग्जांपल्स के साथ। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ब्रोमाइड की -3। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब दोनों की वैलेंसी इक्वल होती है तब हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, तब हमारा ये फॉर्मूला होता है। जब दोनों की वैलेंसी इक्वल होगी या सेम नंबर से डिवाइड हो जाए तो उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना होगा। भाई समझ लो आप 3-3 है तो 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम Mg, नाइट्राइड +3। तो ये बैलेंसी अच्छे से याद होंगे तभी आप कर पाओगे। तो मैग्नीशियम 3 नाइट्राइड 2, तो 3 को इधर लिख दिया हमने और 2 को इधर लिख दिया, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले हैं और सारी केमिस्ट्री इसी के ऊपर बेस होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो पार्ट, केमिस्ट्री के दो पार्ट होते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में कोवेलेंट कंपाउंड आते हैं मेनली, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब खुद ट्राई कर सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम +2, हाइड्रोक्साइड -1, ठीक है, -1 +2, इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, तो फॉर्मूला हो गया CaOH का ट्वाइस। ओके, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, Ca सल्फेट -2, फॉर्मूला हो गया CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सोडियम कितनी वैलेंसी +1, सल्फेट -2, तो क्या फॉर्मूला हो गया, सोडियम और ये सल्फेट, 2 को यहां पे लिखना है और 1 को यहां पे लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये फॉर्मूला हो गया। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का सिंबल याद करिए NH4, क्लोराइड दोनों की वैलेंसी इक्वल है, तो फॉर्मूला हो गया अमोनियम क्लोराइड, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, बताइए एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, और देख लीजिए, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट Na, सोडियम बाई कार्बोनेट का ये होता है, तो +-, दोनों की वैलेंसी इक्वल है, तो फॉर्मूला हो गया NaH
CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट याद करो, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, नाइट्रेट -1, तो फॉर्मूला क्या हो गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट का ट्वाइस। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ एग्जांपल बता दिए, बहुत सारे एग्जांपल हैं तो सारे बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको वैलेंसी याद होगी तो आप अपना कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसे कंपाउंड बताता हूँ, ऐसे सब्सटेंस बताता हूँ जिनके फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद करने, बहुत ही यूजफुल होते हैं, वो डायरेक्टली आपको याद रखने चाहिए, तो वो मैं अभी बता देता हूँ। सम इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस जो आपको ऑलवेज याद रखने हैं वो आपके लिए लिख रहा हूँ, H2O2 N2 Cl2 Br2 I2, ठीक है, H2O। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम होता है, ये हाइड्रोजन के दो एटम है तो ये मॉलिक्यूल हो गया, वैसे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो अगर कोई तुम्हारा आपसे पूछेगा हाइड्रोजन एलिमेंट तो H, और हाइड्रोजन गैस तो H2। ऐसी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वाटर, तो ये कॉमन है जो बहुत सारे आपको याद रखना है। इसके अलावा ये देखिए NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया, CH4 मीथेन, तो ये सारी गैसेस हो गई जो आपको याद रखनी है हमेशा। और भी है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड डाई मतलब दो ऑक्सीजन थे इसमें, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, C6H6 बेंजीन, ये हायर क्लास के लिए लेकिन फिर भी ये आपको याद होने चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड, CaCl2 कैल्शियम कार्बाइड, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये सारे कंपाउंड हो गए जो आपको याद रखने हैं, ये डायरेक्टली याद रखने हैं, इनके लिए आपको ये नहीं सोचना कि मुझे बना के देखना है कि कैसे ड्राइव करना है, कुछ नहीं, ये आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। कुछ एसिड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख देता हूं, इसके अलावा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, सारे एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा CH3COOH एसिटिक एसिड, ये कार्बन कंपाउंड में पड़ेगा। एक और सब्सटेंस बच गया जो यूज हो जाता है कई बार, KMnO4 पोटेशियम
पर मैग्नेट। बस मेनली सारे सब्सटेंस मैंने आपके लिख दिए हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं, तो केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको ये सब तैयार करना है, और आगे की वीडियोज में साइंस में भी मेन मेन चीज आपके लिए देता रहूंगा। थैंक यू।